दोस्तों नमस्कार। इस समय हम सहपुरा कोठी चौराहे पर खड़े हैं। आज हम बाबा जंगलीनाथ मंदिर जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह लखीमपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं बाबा जंगलीनाथ मंदिर। हम आ पहुँचे हैं बाबा जंगलीनाथ मंदिर। मंदिर मोहल्ला सहपुरा कोठी में स्थित है। दोस्तों यदि आप बाबा के भक्त हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। कहा जाता है पूर्व महंतों में एक महंत श्री ठाकुर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को यहां जंगल में एक मठिया मिली जिसमें शिवलिंग स्थापित था। सिद्ध पुरुष महंत जी ने मठिया का विस्तार कर मंदिर बनवाया जो जंगल में मिलने के कारण जंगलीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा शिव का प्रतीक शिवलिंग के प्राचीन होने के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर लगी बाबा हनुमान और बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा भी बहुत प्राचीन है। प्राचीनता के विषय में मुझे यही ज्ञात है कि आज तक मेरे को कोई बता ही नहीं पाया कि स्थापना कब हुई। जो बुजुर्ग मिले उन्होंने बताया, उनके भी बुजुर्ग 6-7 पीढ़ी वाले, वो सब यही कहते थे जंगल में शिव मंदिर है। और स्थापना के विषय में किसी ने कुछ नहीं बता पाया। स्थापना बहुत पुरानी है। एक सज्जन तो बताए थे 3 युग में, लेकिन वो कोई प्रमाण नहीं दे सके। प्रति छपवाने के बाद प्रमाण सहित देने को कहा है। उन्होंने बताया था 3 युग में स्थापना हुई है। मंदिर बहुत पुराना है, शिव मंदिर ही है। शिव मंदिर के आंगन में बाद में हनुमान जी, माता काली, मंगला माता, शनि देव और काली माता, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सहित इनकी सबकी स्थापना हुई है। और इधर नवग्रह देवता की स्थापना हुई है जिसमें कि 16 माताएं और सर्वतोभद्र मंडल का भी स्थान है, इसलिए ये महादेव जी का न्यायालय भी बन गया। अभी निर्माणाधीन भी है। जंगलीनाथ मंदिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मंदिर जंगल में ही था और पूर्व में यहाँ गांव हुआ करता था, सिटी नहीं थी। तब जंगल में महादेव जी का मंदिर था, इसलिए जंगलीनाथ नाम पड़ा। यहाँ महादेव जी की कृपा निरंतर रहती है। सभी भक्तगण इससे प्रभावित हैं। चमत्कार यह है कि बहुत से लोगों की मान्यताएं यहाँ पूर्ण हुई हैं, इसलिए लोग निरंतर यहाँ आते हैं और महादेव जी सबकी मनोकामनाएं लगभग पूरी करते हैं। महादेव सर्वेश्वर हैं, यथा उचित सबको संतुष्ट ही कर देते हैं, ऐसी महादेव जी की कृपा है। ओम हर 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 महादेव। कालांतर में बाबा जंगलीनाथ मंदिर प्रांगण में अन्य मंदिरों को बनवाया गया। जंगलीनाथ मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जंगल से बियाबान जंगल से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम जंगलीनाथ मंदिर पड़ा। और ये जो मंदिर है इसमें मतलब काफ़ी अरसे से जो भक्तगण आते हैं या उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं,
इससे पहले हमारे जो 3-4 पीढ़ी हैं वो महात्मा लोग रहे हैं काफ़ी, साधु संत रामानंद स्वामी जी, ठाकुर स्वरूप ब्रह्मचारी जी, स्वामी वासुदेव स्वरूप जी, हर स्वरूप जी। नगर वासियों का बाबा के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा है। बाबा अपने भक्तों का कल्याण सदा ही करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।